बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज जगन्नाथ यात्रा है जो कि एक बहुत बड़ा महोत्सव है और ये सिर्फ ओडिशा तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे भारत के लिए इसकी बहुत महत्ता है। पर क्या आप जानते हैं इससे जुड़े हुए बहुत सारे रहस्य भी हैं जो कि आपको जानने चाहिए। आज हम इसी पर गुरु जी से चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे परवरिश टिप, दिन का शुभ अशुभ समय होगा, जन्मदिन, राशिफल और अंत में वो विचार जो हम सबका दिन बना देगा। और आप जानते ही हैं ये सब हमें कौन बताएगा। राम राम गुरु जी। मैं भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा राज प्यार, सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम और जय जगन्नाथ। गुरु जी, जगन्नाथ यात्रा की हम बात कर रहे हैं, इसकी क्या महत्ता है और क्या वाकई इससे जुड़े हुए ऐसे रहस्य हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं? जी हाँ, बहुत सारी बातें बहुत कम लोग जानते हैं और मैं बच्चा पार्टी से भी निवेदन करता हूँ, चलो बैठ जाओ स्क्रीन के आगे और सुनो अपनी संस्कृति की कुछ खास बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए। 6,000 पुजारी, 1,25,000 लोगों से ज्यादा लोग केवल भोजन पकाते हैं इस दिन। इमेजिन कितने लोग इस यात्रा में आते होंगे, इस यात्रा में शामिल होकर और जगन्नाथ जी का रथ खींचने से मोक्ष मिलता है ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। हालांकि मोक्ष का कारण तो कर्म है, अच्छे कर्म करना, लेकिन वहां जाकर जब आप उस भक्ति में वातावरण का हिस्सा बन जाते हैं तो अच्छे कर्म करने का भी मन होने लगता है। वो माहौल ही कुछ ऐसा होता है गुरु जी, जब तस्वीरें हम देखते हैं ऐसा लगता है दूर दूर तक पांव रखने की जगह नहीं है। हाँ। पूरी मतलब भारत कह लीजिए या एक मिनी इंडिया वहां पर नजर आता है, देश भर से लोग पहुंचते हैं। बिल्कुल, 10 दिन का ये महोत्सव होता है और इस दिन जगन्नाथ जी कहाँ जाते हैं ये इम्पोर्टेंट है। भाई आप गाड़ी में बैठते हैं तो कहीं जाते हैं ना, तो जगन्नाथ जी कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं और जाते हैं कहीं तो क्यों जाते हैं और जब जाते हैं तो कब वापस आते हैं, ये जानना जरूरी है, तो ये भी हम आज डिस्कस करेंगे और ऐसे ढेर सारे रहस्य हम गुरुजी से जानेंगे। लेकिन राशिफल से शुरुआत करने जा रहे हैं गुरुजी, पहली 4 राशियों का दिन कैसा होगा? मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जानिए। मेष राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बस एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन गुस्से से बचने की कोशिश कीजिएगा अन्यथा कोई परेशानी हो सकती है, एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। इस दिन ओम नमः शिवाय का जप करके शांत भाव से अपने काम पर जुटिए, अपना दिन शुरू कीजिए। वृषभ राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, कुछ मानसिक तनाव तो जरूर रहेगा लेकिन आपके कार्य बनते रहेंगे, लोगों की मदद मिलेगी, अच्छे लोगों से मुलाकात भेंट होगी, लेकिन एक सावधानी अपने स्वास्थ्य को लेकर जरूर बरतें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर करने के लिए, जल बांटिए और माँ दुर्गा को प्रणाम करके उसके बाद काम पर जुटिए। मिथुन राशि, धन की दृष्टि से ये दिन बहुत अच्छा नहीं है, जिनको वाणी दोष है या जिनको दांतों की या गले की दिक्कत रहती है उन लोगों को बहुत संभल के चलना होगा, लेकिन एक विशेष सावधानी वाहन चलाने को लेकर जरूर रखिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए। कर्क राशि, जल्दबाजी में कोई बहुत गलत फैसला ले सकते हैं, किसी से गलत तरीके से बोल सकते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, ध्यान रखें, एक विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। इस दिन किसी की बातों पर एकदम से विश्वास मत कीजिएगा और चढ़ते उतरते थोड़ा ध्यान रखिएगा, वाहन चलाते वक्त ध्यान रखिएगा और आग से थोड़ा सा दूर रहिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम हनुमते नमः का जप करें फिर अपने काम पर जुटें। ध्यान से सुनते जाइए अपने उपाय और सावधानियां राशियों के हिसाब से ही नोट करिए, सिर्फ नोट नहीं करना है उसका पालन भी करना है। और अब परवरिश टिप की बारी, गुरु जी वो क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण बात गर्मियों के हिसाब से आप सुन लीजिए, गर्मियों में विटामिन सी बच्चे को जरूर देते रहना चाहिए, ये शिकंजी के रूप से दे सकते हैं, ये आमपना के रूप से दे सकते हैं, आंवला रस के रूप में दे सकते हैं, ख़ास तौर से जो बच्चे थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा करते हैं या स्कूल से पैदल आते हैं उनको आप यदि आंवला रस थोड़ा सा 1 चम्मच निकाल कर देंगे तो उन पर गर्मी का बुरा असर नहीं होगा
और अब चूंकि कहीं कहीं बारिश का वक्त आ गया है, देश में अनेक जगह बारिश शुरू हो रही है, वहाँ ख़ास तौर से मैं माता पिता से निवेदन करूँगा कि बच्चों को गिलोय देना शुरू कर दीजिए, जिससे कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब हम लोग नव संवत्सर वाला कार्यक्रम कर रहे थे तो आपको मैंने बताया था ना कि कीड़े मच्छरों से कुछ परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, पानी जनित रोग होंगे इस बार, और इससे बचने के लिए आपको बच्चों को थोड़ा सा गिलोय दे देना चाहिए या गिलोय पत्ता चबा देना चाहिए, बच्चे फिट रहेंगे। और बरसात का मौसम है, कुछ ना कुछ परेशानियां एलर्जीज लगी रहती हैं, तो गिलोय तो बहुत अच्छा होता है, और जैसा गुरुजी ने आपको बताया उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। अब उन लोगों की बात जिनका आज जन्मदिन है, गुरुजी उनका साल कैसा होगा? तो जिनका भी जन्मदिन है उन्हें हम लोग की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं, आपका दिमाग अच्छी कैलकुलेशन कर सकता है इन 12 महीनों में, इसलिए आपके द्वारा अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं, कुछ नया कार्य भी कर सकते हैं, कुछ प्रमोशन या घर मकान संबंधी कार्य भी बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप खुल के अपना काम कीजिए। बस 2-3 बातों का ख्याल रखिएगा, कोई मित्र आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, आप भी गुस्से में मित्रता तोड़ सकते हैं, इनसे बचने की कोशिश कीजिएगा, जल्दबाजी पे कंट्रोल कीजिएगा, और मैं जो एक छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूँ ये कर लीजिएगा। और उपाय ये है, रोज़ाना एक मुट्ठी अब से एक वर्ष तक वह किसी बड़े बर्तन में करके रखते जाएं, जब वो भर जाए तो या तो गौ माता को खिला दीजिएगा सेवा भाव से, या किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा, प्रभु जी की आप पर कृपा रहेगी। एक चीज़ बस चलते चलते और कह दूँ आपसे इस मामले में, वो अगस्त सितंबर उसके बाद दिसंबर और फिर मार्च 2020, इन महीनों में धन और स्वास्थ्य को रिश्तों को लेकर विशेष सावधान रहिएगा, बाकी बढ़िया होगा, ऑल द बेस्ट। तो आपका आगे आने वाला साल कैसा है उसका पूरा हाल आपने जान लिया, लेकिन वो उपाय भी आपको जरूर करना है जो गुरुजी ने आपको बताया है। आज हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के बारे में और उनकी यात्रा के बारे में, उनसे जुड़े हुए ढेर सारे रहस्य हैं और बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो हमें नहीं पता, वही आज हम गुरुजी से जानेंगे। गुरुजी और क्या कुछ है उनसे जुड़ा हुआ? 3 रथ चलते हैं, सबसे आगे वाला रथ आप देखते होंगे लाल रंग का है, यह रथ है जगन्नाथ जी का, यानी श्री कृष्ण जी का, फिर उसके उनके पीछे सुभद्रा दीदी का, उनकी बहन सुभद्रा जो है, और उनके पीछे पीले रंग का एक रथ चलता है, ये बलदाव जी का है। श्री कृष्ण के रथ को या जगन्नाथ जी के रथ को गरुड़ ध्वज रथ बोला जाता है, विष्णु जी का जो वाहन है गरुड़ वह इस रथ पर विराजमान माना जाता है और वह इस रथ की रक्षा करते हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को सिंह द्वार, जो जगन्नाथ मंदिर का मुख्य द्वार सिंह द्वार, वहाँ से ये यात्रा शुरू होती है और 2 किलोमीटर जाती है, और 2 किलोमीटर जाने में ही इसे घंटों लगते हैं। वहाँ पर एक गुंडिया मंदिर है, वहाँ पर ये रथ यात्रा जाती है और वहाँ पर भगवान विश्राम करते हैं। क्यों विश्राम करते हैं और वहाँ से कब लौट कर आते हैं ये मैं अभी बताऊँगा, लेकिन आपको पता है भगवान का जो रथ होता है 16 पहिए का होता है, इसमें नारियल की लकड़ी और नारियल की रस्सी का प्रयोग होता है, और हजारों भक्त जन इसे खींचते हैं, सुभद्रा जी के रथ को खींचते हैं, बलदाव जी के रथ को खींचते हैं, लोग खींचते हैं, इसमें कोई मोटर वोटर नहीं है, और ये भक्ति का एक ऐसा अनूठा संगम होता है। देखिए, भारत में हमें अपने देवी देवताओं के साथ जीने की आदत है, हम अपने भगवान के साथ जीते हैं, हाँ हम उनका जन्मदिन मनाते हैं, हम उनके विशेष दिनों को मनाते हैं, और हमने इसीलिए अपने जीवन को एक आनंदोत्सव की तरह से मनाया है। हमारे लिए, भारतीयों के लिए जो जीवन रहा है अभी तक, वो बड़ा आनंद से उल्लास से भरा हुआ रहा है, इसलिए पहले तनाव कम होते थे क्योंकि उत्सव बहुत होते थे, अब उत्सव कम हो गए हैं, तनाव बढ़ गए हैं। यकीन कीजिए, वो जो मॉल या बाजार में घूमने से मज़ा नहीं आता, जो मज़ा आता है
उत्सव में सड़क पर पांव जल रहे हैं। मैं तो इस यात्रा में कई बार शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त किया हूँ, लेकिन एक अद्भुत सा उत्साह होता है। ढोल नगाड़े ताशे बज रहे होते हैं, पूरे देश में उत्सव मनाने की जो परंपराएं हैं ये तनाव में रहने ही नहीं देती थी किसी। बिल्कुल, और ये संस्कारों से भी जुड़े रखती हैं। हम त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, अपने संस्कारों से और अपने रूट से हम जुड़े रहते हैं। छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा और बड़े लोग सब एक दूसरे से मिल रहे हैं तो अभिवादन हो रहा है, जय जगन्नाथ, आनंद आ जाता है। और भी ढेर सारी बातें हम करेंगे, लेकिन दिन का शुभ शुभ समय जानने का वक्त आ गया है। गुरुजी वो क्या रहेगा? पहले अशुभ समय नोट कीजिए, फिर शुभ समय बताता हूँ। अशुभ समय लिखिए, दो मुहूर्त रहेगा, 10:08 से 11:03 तक, और उसके बाद दोपहर में 3:38 से 4:33 तक। गुलिक काल रहेगा 8:59 से 10:42 तक। यमगण काल रहेगा सुबह 5:32 से 7:15 तक, और राहु काल रहेगा दोपहर में 2:09 से 3:52 तक। शुभ समय नोट कीजिए, अभिजीत मुहूर्त होगा 11:58 से 12:53 तक, और अमृत काल रहेगा रात को 8:41 से 10:09 तक। तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, इंपॉर्टेंट मीटिंग, कुछ नया या बड़ा शुरू करने जा रहे हैं तो शुभ समय को जरूर आप ध्यान रखें। हम जगन्नाथ यात्रा की बात करें, गुरु जी और क्या महत्वपूर्ण जानकारी है लोगों के लिए? अब क्या होता है, गुंडीचा मंदिर जिसे जनकपुरी भी कहते हैं, जनक तीर्थ भी है ये, वहाँ एक बिंदु सरोवर है जिसे बिंदु तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ पर दोनों भाई और सुभद्रा जी बहन वो वहाँ पर पहुँचते हैं, वह उनकी मौसी का घर है एक्चुअली। अब वो मौसी के घर में तो क्या मजा आता है, हम लोग भी जब मौसी जी के पास जाते हैं क्या आनंद आता है, मम्मी पापा को भी भूल जाते हैं, मामा मौसी नानी आनंद। अब क्या हुआ, ये वहां पर इनकी खूब खातिरदारी हुई। अब उस खातिरदारी से क्या होता है, बीमारी आ जाती है, ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा खा लिया, ये बीमार हो गए। अब जो बीमार होंगे तो सेवा भी होगी, कुछ विशेष प्रकार का भोजन दिया गया, परहेजी भोजन दिया गया, और इस सब में कुछ समय लगा और इसकी वजह से ये वहां लेट हो गए। अब कब वापस आएंगे, एकादशी के दिन वापस आएंगे। 10 दिन लगभग इस पूरे स्थान में जाकर लौटने में लग जाते हैं। लेकिन अब ये देखिए कि जो भगवान के समय में हुआ है उसे हम आज भी जी रहे हैं, कितना सुंदर है, रिक्रिएट कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं। देखो बच्चों कितना आनंद है, समझ में आती है ये चीजें, इतिहास के प्रति, हमारे संस्कृति के इतिहास के प्रति हमारे अंदर चेतना उत्पन्न करती हैं। इसीलिए इसे गंभीरता से भी लीजिए और आनंद से भी लीजिए। तो ये वहाँ पर जाते हैं और फिर बीमारी से ठीक होकर, स्वस्थ होकर फिर लौट कर आते हैं। तो ऐसे महोत्सव में शामिल जरूर हुआ कीजिए, एक बार फिर से याद करने का, जानने का, दिखाने का मौका होता है अगली जनरेशन को भी। आप किताबों में बातें पढ़ाई जाएंगी तो हो सकता है बहुत लोग दिलचस्पी ना लें, लेकिन जब उसको मनाएंगे, ऐसा होते देखेंगे तो सब जुड़ेंगे साथ में। और अब राशिफल जानने का वक्त आ गया है, जो बीच के चार राशियां गुरु जी उनका दिन कैसा होगा? यानी सिंह कन्या तुला वृश्चिक राशि का हाल सुनिए। सिंह राशि, यह दिन आपके धन की स्थिति को लेकर बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कहीं धन खर्च मत कीजिएगा, एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, कोई मित्र भी शत्रुवत व्यवहार कर सकता है आपकी वजह से, इसलिए टोल मोल कर अपनी बात को कहिएगा और प्रेम से बोलिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, मीठी रोटी का दान जरूर कीजिएगा। कन्या राशि, वक्त आपके लिए थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा, बहन भाइयों के साथ दंगा फसाद ना हो, झगड़े ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। एक छोटी सी सावधानी रखनी जरूरी है, जो आपके निजी संबंध हैं उनका बहुत ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, कच्ची सब्जियों का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, प्रतिष्ठा की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक चलने की जरूरत है, इस दिन हो सकता है आर्थिक कष्ट भी आपको उठाना पड़े, पिता की स्थिति को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। एक छोटी सी सावधानी और आपको बरतनी है, इस दिन अपने पिता के तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा,
साथ ही साथ अपने धन का भी ख्याल रखिएगा, कहीं कुछ खो ना जाए। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, नारियल अपने इष्ट को भेंट कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष बहुत कमजोर है, जल्दबाजी में कदम उठाने से मुश्किलात सामने आएंगी। इस दिन किसी से कुछ ऐसे ही मत कह बैठिएगा, अन्यथा मन मुटाव हो जाएगा। एक सावधानी जरूर बरतनी है, इस दिन आप कोई बड़ा फैसला खुद मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आपने पूजा की कोई सामग्री किसी को भेंट करनी है, फिर अपने काम पर जुट जाना है, तो मुझे सब ठीक करेंगे। तो ध्यान से अपने उपाय और सावधानियां नोट भी कीजिए, अपने जीवन में भी उतारिए, क्योंकि तभी तो दिन अच्छा होगा जी। लेकिन आज हम जगन्नाथ यात्रा की बात कर रहे हैं, गुरु जी और कौन सी जानकारियां और रहस्य से जुड़े हुए हैं? आपको पता है एक बार लक्ष्मी जी नाराज हो गई। अच्छा। और जब लक्ष्मी जी नाराज हो गई, उन्होंने रथ का पहिया गुस्से में तोड़ दिया। अरे अब देखिए, युग कोई भी हो, लेकिन जब गृह लक्ष्मी नाराज होती है तो पति देव तो मनाने जाते ही है। बड़ी मनुहार कर करके उनकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर करके फिर उन्हें मनाया गया, मना कर फिर वापस लाया गया। और यह उत्सव का एक अभिन्न अंग है और बहुत सारे लोग इसकी वहां पर कथा सुनाते हैं और वो कथा उड़िया भाषा में है। अब वो समझ में नहीं आती, लेकिन उनके जो भाव होते हैं, उनकी जो भंगिमाएं होती हैं, उसमें इतना आनंद आ जाता है कि घंटों बैठे रहो, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आप सम्मोहन होकर उसे सुनते रहते हैं। तो ये एक अद्भुत दृश्य है और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, और ये पेरेंटिंग टिप की तरह से भी लीजिए कि भारतीय संस्कृति की जो विविधताएं, ये अपने बच्चों को साल में एक दो बार जरूर दिखाया कीजिए। हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचा सकते हैं, हम बहुत सारे खर्चे जो बेमतलब करते हैं इधर उधर, उनको भी अगर जोड़ें तो कहीं आसपास या कहीं अन्य स्थानों पर जाकर बच्चों को इस संस्कृति की झलक दिखा सकते हैं। तो जरूर अपने बच्चों को संस्कारों और संस्कृतियों से जोड़ना आप ही का दायित्व है, उसको जरूर कीजिए। और अब अंतिम चार राशियों का हाल गुरु जी, उनका दिन कैसा होगा? यानी धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल जानिए। धनु राशि, ये समय रोग देने वाला है, प्रतिष्ठा में कमी करने वाला है, इसलिए बहुत सावधानी से खान पान रखना होगा, बहुत सावधानी से बोल चाल और व्यवहार करना होगा। एक और सावधानी आपको बरतनी होगी, आग से दूर रहें और वाहन चलाते वक्त भी विशेष सावधान रहें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम रुद्राय नमः का जप करते हुए अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, यह दिन निज संबंधों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, घर में वाद विवाद हो सकता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन आप पैसे के लेन देन के मामले में थोड़ा ध्यान रखेंगे और हंसी मजाक करते वक्त भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, कोई आपसे रूठ सकता है। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर करने के लिए, सफेद कपड़े पहनिएगा, लाल और काले कपड़े पहनना अवॉइड कीजिएगा। कुंभ राशि, इस दिन शत्रु तो मुखर होंगे लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सतर्क रहें। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन आप किसी को उधार नहीं दीजिएगा और इस दिन किसी से उधार ना ही लें तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर करने के लिए, सरसों के तेल का दान अवश्य कर दीजिएगा और लाल कपड़े पहनने से बचिएगा। मीन राशि, यह दिन संतान पक्ष के लिए, पेट के लिए, पीठ के लिए और निज संबंधों के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन कुल मिला के भाग्य पक्ष ठीक है, काम रुकेंगे नहीं, सामान्य दिन चलता रहेगा। लेकिन एक सावधानी जरूर बरतें, इस दिन अपने सीनियर से सोच समझकर बात करें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप कोई पुस्तक किसी को भेंट कीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। उम्मीद है ढेर सारे उपाय और सावधानियां जो गुरुजी ने बताए हैं उन्हें आप जरूर पूरा करेंगे। और अब विचार जानने का वक्त आ गया है जो हम सबका दिन बना देता है, गुरुजी वो क्या है? श्री कृष्ण का ही एक विचार सुनाता हूँ। अरे वाह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को सदैव समाज की भलाई के लिए
कर्म करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति समाज की भलाई के लिए कर्म करता है, नर सेवा करता है, नर से मतलब यह है समाज सृष्टि की सेवा करता है, तो उसे लाखों जपों का वरदान तो वैसे ही प्राप्त हो जाता है, उसे प्रभु की कृपा तो वैसे ही प्राप्त हो जाती है, उसकी जिंदगी तो वैसे ही बदलनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने दायरे से बाहर निकलिए और समाज के लिए अंशदान कीजिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का आदेश भी है। बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत ही अच्छा विचार गुरुजी ने रखा है, लेकिन इसको मानिए और इसको बढ़ाते चलिए आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो आपको जगन्नाथ रथ यात्रा की फिर सबसे सबको शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ जी आप सब पर कृपा करें, आप सबके घर में सुख शांति आवे, इस कामना के साथ कि आपका दिन अच्छा बीते। हम कहते हैं राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। आज के इस एपिसोड में इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।